जैसे हमारे घरों में सुपरस्टिशंस बहुत चलते हैं, इंडिया में तो चलते ही हैं सर, और बचपन से तो हम भी बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग सुनते हैं कि ये ऐसे मत करो, ये मत करो। मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो पता नहीं किसने बता दिया मेरे पापा को कि इसको इस कलर के कपड़े पहन। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो चीज़ हो नहीं रही होती तो वो भी एक बार को कह देते हैं कि तो कुछ जा थोड़ी रहा है करने में, कर लो, और फिर हमारे भी आपस में क्लैशेस ना हो क्योंकि वी लव ईच अदर। तो हम सोचते हैं कि ठीक है हमारा कुछ जा नहीं रहा है एक दो दिन के लिए, क्या वैसे भी नॉर्मली बाहर रहते हैं, एक दो दिन के लिए घर में कुछ करने में कुछ जाता नहीं है, बट वो मेरा जो है कि मुझे रियलिटी पता है कि इससे होना कुछ नहीं है, तो वो उस रियलिटी से आगे क्लैश करता है। देखो, आप कह रहे हो कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, पहले तो ये समझते हैं कि इसमें नुकसान है या नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस को एक सुपरस्टिशियस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप खुद इन सब चीजों को मानने लग जाओ, वो बिलीव बन जाएगा हमारा। अरे आपको पता भी नहीं लगेगा, बिलीव छोड़ो, बिलीव से बहुत छोटा वर्ड है, वो आपका पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अंगूठी पहनाई उन्होंने कुछ बोल करके, किस अंगूठी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ टाइम बाद दैट रिंग ऑफ योर्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। आप उसको उतारोगे ना, आपको एंजाइटी होने लगेगी। हाँ, exactly. आप कहोगे अच्छा इसको उतारने की वजह से अब मेरी लाइफ में ये सब जो बुरा हो रहा है वो इसकी वजह से, वापस से पहले। हाँ. तो आप कह रहे हो क्या गया, आपका लॉजिकल माइंड गया, आपकी लाइफ में से लॉजिक गया। एग्जैक्टली। सुपरस्टिशन में क्या होता है, लॉजिक चला जाता है, और जिसकी लाइफ में से लॉजिक गया उसकी लाइफ में से अंडरस्टैंडिंग गई। Yes. हर अंडरस्टैंडिंग का ग्राउंड क्या है, लॉजिक। इट हैज टू बी लॉजिकल। जो भी इलॉजिकल लगे उसको साइड कर दो। कोई भी चीज अगर इलॉजिकल लग रही है आपको खुद को अपने माइंड में, या कोई और बोल रहा है, फिर वो और चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, उसको इमीडिएटली वहीं पे रोक देना। कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहां पर कोई भी इलॉजिकल बात करी, जो मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कोई भी इलॉजिकल बात करी है, बट अगर करी तो इमीडिएटली मुझे रोक दो। ये क्या बोल रहे हो, इसका बेसिस क्या है, इसको प्रूव कैसे करोगे, आपने बोल तो दिया है, कैन यू प्रूव इट? इफ यू कांट प्रूव इट, व्हाई आर यू सेइंग इट? सिर्फ मेरे को हिप्नोटाइज करने के लिए, मेरी ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? सर, ये क्वेश्चनिंग ही जब से स्टार्ट हुई है तब से ही ये पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें इलॉजिकल होती हैं, डेली होती हैं वो, तो अब ये आता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, या यही क्यों होता है। मैं अपने क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मा घर पे रहती है, तो मैं उनसे ये मैंने कहा कि आप ये मानते हो, ऐसा क्यों मानते हो? वो मतलब जब ज्यादा हो जाता है ना तो शी इज लाइक हाँ तू सही बोल रही है। अब यहाँ पे ना एक और बात और समझनी जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि हफ्ते में एक दिन व्रत रख लो। हाँ, इसलिए रख लो, तो अब हो सकता है आप अपने घर वालों से पूछोगे अच्छा क्यों रखते हैं व्रत, तो उनके पास में कोई ढंग का जवाब नहीं होगा। बट साइंटिफिकली अगर आप स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि व्रत हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। yes, जिसको आज की डेट में बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, exactly. इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत बात हो रही है। कहने का मतलब है कि कुछ चीजें हैं जब शुरू की गई थी आज से हजारों साल पहले, तो उसके पीछे कोई वजह थी, वो वजह तो किसी को पता नहीं है। अब उसकी वजह कुछ और ही बताएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉजिकल नहीं है। तो हमको उसकी डेप्थ में जाना होगा, उसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा। उसके बाद भी अगर कोई लॉजिक ना मिले तो उसको साइड कर, तो साइड कर देना। फॉर एग्जांपल बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसको कोई लॉजिक नहीं मिला मुझे तो आज तक। ऐसा मैंने भी फाइंड आउट करने की कोशिश की। ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक नॉर्मल होता है ना, कहीं बाहर जाने से पहले अगर किसी ने छींक दिया और मेरे तो साथ हो जाता है। हाँ, और मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मुझे बाहर जाना होता है तो मुझे अपने आप ही वो आ ही जाती है, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो यहाँ पर भी आप छींक करके आए थे? नहीं, आप पता नहीं आ गई। हाँ, आई थी, कार में आई थी। हाँ, कार में आई थी मैं। हाँ, देख लो अच्छा काम हुआ ना। एग्जैक्टली, आप छींक करके यहाँ तक पहुंच गए। तो मैं तो कह रहा हूँ, जो देख रहे हैं सबको छींकना चाहिए, छींक करके ही यहाँ तक आ सकते हैं। आप कहते हो ना कि वो क्वेश्चन था कि क्या जाता है उनके हिसाब से कुछ भी लॉजिकल करने में। ये जाता है कि जो इतने लाखों करोड़ों साल बाद, जिसको होमो सेपियंस बोलते हैं, कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं इवॉल्व होकर के, एक झटके में हम लाखों साल पीछे चले गए। हाँ, exactly, यही होता है। हम जानवरों के लेवल पे चले गए। और फिर यही हुआ ना, अगर हमने लॉजिक को साइड कर दिया या अपनी थिंकिंग को, माइंड को साइड में रख दिया, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम वही बंदरों के लेवल पे चले गए। एग्जैक्टली। और इसकी इसको एक स्ट्रेंथ बना के लोग पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो मतलब ये
उनका एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब उनको ये नहीं लगता कि पॉइंट ऑफ व्यू ही है इसको इतना मतलब सीरियसली क्यों लेके चलना है। उनके लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उनके लिए वो रियलिटी है। हाँ एग्जैक्टली ये बोल सकते, उनके लिए वो बिलीव भी नहीं है, बिलीव के लिए वो रियलिटी है, वो सच है उनके लिए। हाँ जबकि एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है, वो इल्यूजन हो सकता है, वो एक स्टैंड पॉइंट हो सकता है, वो बेसलेस हो सकता है, वो इलॉजिकल हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, वो उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो किसी के कहे सुने पे वो भी करते चले आ रहे हैं, ना खुद का भी लॉजिक और रीजन जानने की कोशिश की और ना कभी खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आपने शायद देखी भी होगी, छोटी सी है, बंदरों की कहानी है। एग्जैक्टली आई सॉ, देखी आपने, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके, कि पहले कुछ बंदर डाले फिर एक नया बंदर डाला, वो मैंने देखी है स्टोरी। ये बिल्कुल परफेक्टली उस बात को एक्सप्लेन कर रही है जो बात अभी आप कर रहे हैं, यानी कि सुपरस्टिशन। हर सुपरस्टिशन ऐसे ही पैदा होता है।